रहम्डेंडरी चैप्टर में हम क्वेश्चन आज करेंगे सो मेरे साथ रहिएगा अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट में कह रहे हैं यूज अ कैल्कुलेटर टू फाइंडीन ठीक है आपके पास एक नंबर है ठीक है अब देखिये यहाँ पर आपको ये रिलेशन समझना है जो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर वन टू सेवन किया था वहां पर भी हम यही कर रहे थे कि जब एक नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना होता था तो वो हम क्या करते थे सिंपली उसी नंबर को अपने आप से एक मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे यानी दो सेवनटीन्स हमारे पास होते थे और हम उनको मल्टीप्लाई कर देते थे ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता था अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सेवनटीन मल्टीप्लाई बाइ सेवनटीन कर ले ठीक है और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो भी आपको ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करना कि 17 को 17 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट को दोनों डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है सेवन सेवन फोर्टी नाइन फोर विलस फोर इलेवन ठीक है उसके बाद हम एक क्रॉस लगा देते हैं या जीरो लगा देते हैं वट एवर यू लाइक फिर हम वन जो हमारे पास नंबर है उसके साथ बारी बारी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हेन देन विल ऐड अप बोथ तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा टू एटी नाइन तो देखो यहां पर जब हम एक स्क्वायर कर रहे हैं तो सेवनटीन को मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन कर रहे हैं और हमारे पास ये आंसर आ रहा है इसी तरह से 289 के साथ हम रिवर्स वर्किंग करेंगे तो क्या होगा 289 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 ठीक है तो ये रिलेशन को आपने समझना है स्क्वायर निकालना है तो एक ही नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है और जब आपको रूट निकालना है तो वहां पर आप कैसे निकालोगे कि आपको एक नंबर ऐसा तलाश करना है कि उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आपके पास वापस आ जाए और इसका एक तरीका होता है स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ये बेस्ट मेथड है कि जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर जो है वो कोई भी नंबर का परफेक्ट uh, स्क्वायर का रूट निकाल सकते हैं टू एटी नाइन है हमारे पास हम इसको चेक करते हैं तो ये टू से भी डिविजिबल नहीं है प्राइम नंबर से हम इसको चेक करेंगे थ्री से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि टू प्लस एट प्लस नाइन नाएं, नाइनटीन होता है नाइनटीन इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं लास्ट एक्सरसाइज के अंदर तो यहाँ पर हम चेक करते जाएंगे ना ये थ्री से डिविजिबल होगा ना लास्ट लास्ट डिजिट इसका फाइव और जीरो है कि फाइव से डिविजिबल हो ना ये सेवन से डिविजिबल है कि नाइन को आप डबल करके ट्वेंटी एट से सब्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर ट्वेंटी एट माइनस एटीन टेन आता है और टेन इज नॉट डिविजिबल बाई सेवन और उसके बाद फिर इलेवन से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स टू प्लस नाइन इलेवन इलेवन माइनस एट करते हैं तो आंसर थ्री आता है इलेवन नहीं आता जीरो नहीं आता इसका मतलब है कि ये इलेवन से भी डिविजिबल नहीं है फिर हम इसको थर्टीन से डिवाइड करके देखेंगे 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास बचेगा ट्वेंटी नाइन हो जाएगा और थर्टीन से भी डिवाइड नहीं होगा फिर हम इसको सेवनटीन से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये सेवनटीन से डिवाइड हो जाएगा ठीक है सेवनटीन वन हजार सेवनटीन और उसके बाद हमारे पास बच गया यहाँ पर इलेवन uh, और इलेवन के साथ नाइन है तो वन वन नाइन को जब हम करते हैं तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाता है सेवनटीन सेवन जर वन वन नाइन ये देखिए हमारे पास जब भी हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वहां पर अगर हमारे पास तमाम नंबर्स नंबर्स पेयर्स में आ जाए तो इसका इसका मतलब है कि वही हमारे पास स्क्वायर रूट होंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 289 के इज मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन इसका मतलब क्या हुआ कि सेवनटीन स्क्वायर में है और स्क्वायर हमेशा कट कर देता है स्क्वायर रूट को और हमारे पास ये आंसर आ गया है टू एटी नाइन इज इक्वल्स टू सेवन ये स्टेप्स आप दो तीन होते फॉलो करेंगे आपको ये याद हो जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर हमारे पास यही सेम चीज रिपीट हो रही है अब हमसे क्या करें? कि हमें राइट right साइड पर नंबर्स गिवन है और लेफ्ट साइड पर हमें उनका स्क्वायर फाइंड करना है ठीक है तो हमने क्या करना है 18 का स्क्वायर फाइंड करना है 18 मल्टीप्लाई बाई एटीन करेंगे आंसर आ जाएगा 324 इसका मतलब है यहां पर हमारे पास 324 ट्वेंटी फोर इस दी आंसर यानी का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एटीन आंसर जाएगा, ठीक है उसके बाद ट्वेंटी ट्वेंटी का स्क्वायर क्या होता है 2200, 400, 000, 000, तो ट्वेंटी थ्री तो को आप मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी थ्री से आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट है हमारे पास ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आता है सिक्स ठीक है और यहां पर मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूं ये देखिए अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो और हम प्राइम फैक्टराइजेशन से यहां पर स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहें तो हम बड़ी आसानी के साथ यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखिए हमने क्या करना है जो स्क्वायर होता है उसको हमने यहाँ पर राइट right साइड पर लिखना है सिक्स सेवेंटी सिक्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है और उसके बाद हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं लेफ्ट साइड पर टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर ठीक है सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं इज इज एन इवन नंबर तो हम टू से स्टार्ट करेंगे two, six, फिर two, six, बच गया अगेन इट्स एन इवन नंबर फिर से टू करेंगे टू वन जर टू वन कैरिड हो गया थर्टीन बन गया टू सिक्स ट्वेल्व फिर वन आगे चला गया एटीन हो गया टू नाइन एटीन अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है वो ऑड नंबर है तो ये हमारे पास वन सिक्सटी नाइन अब टू से डिविजिबल नहीं हो सकता लेट्स चेक क्या ये थ्री से डिविजिबल है या नहीं वन प्लस सिक्स प्लस नाइन थर्टी तो मतलब तो तो का थर्टीन इन टू थर्टीन और थर्टी इन वन सा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट हमने इसकी पेयरिंग कर ली है अब हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो फैक्टर नहीं है बल्कि हमारे पास दोनों फैक्टर्स टू और थ्री दोनों हमारे पास यहाँ पर पेयर में है तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ सिक्स सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय थर्टीन का स्क्वायर ठीक है यहाँ पर देखिए टू का टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थर्टीन मल्टीप्लाई बाय थर्टीन है ना तो so स्क्वायर और ये बराबर होता है मैं इसको लिख सकती हूँ जब पावर सेम होती है तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई करके एक ही पावर के साथ लिख सकते हैं ठीक है ये का रूल होता है कि जहां पर आपके पास पावर सेम हो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी बेसिस को आप मल्टीप्लाई करके एक पावर लिख सकते हैं तो यहां पर ये यह क्या होगा हमने लिखा अब स्क्वायर हमारे पास जैसे ही आया तो ये अंडर रूट से कट हो जाएगा तो सिक्स का हमारे पास ये रूट निकल आया टू मल्टीप्लाई बाय थर्टीन दैट आपके पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो बहुत सिंपल है आप सिर्फ और सिर्फ जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर शिफ्ट दबाकर अंडर रूट का साइन जो है वो बनाइए कैलकुलेटर के अंदर उसके अंदर अपने नंबर को लिखिए और नंबर को लिखने के बाद आप इज इजीक्वल्स टू का साइन दबाएंगे आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो निकल कर आ जाएगा नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर टेन अब यहाँ पर हमने क्यूब निकालना है गिवन नंबर्स का मतलब सेवन है हमारे पास और हमें क्यूब निकालना है सेवन का तो हम सिंपली क्या करेंगे सेवन मल्टीप्लाय बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन ठीक है सिंपल हमने यहाँ पर फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाई सेवन करना है और आंसर आ जाएगा थ्री फोर्टी थ्री अभी तक हम निकाल रहे थे, अब हमने क्यूब निकालना है तो सेवन का क्यूब हमारे पास क्या आ गया थ्री फोर्टी थ्री इसका मतलब है कि थ्री फोर्टी थ्री का क्यूब रूट क्या है सेवन इसी तरह से नाइन की बात करें तो नाइन नाइन सर एटी वन एटी वन इंटू नाइन इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी ठीक है इसी तरह से टेन अब जो जीरो वाले नंबर है स्टूडेंट्स उसके लिए भी आप याद रखो ये जब हम हाँ इनका क्यूब निकाल रहे होते हैं तो जितने जीरो सब आ जाते हैं हमारे पास वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू वन तो इसका क्यूब हमारे पास आ जाएगा थाउजेंड सिंपल इसी तरह से ट्वेल्व है तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व कर लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा वन सेवन टू एट और ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए शो दैट थर्टी सिक्स नाइन फैक्टर्स सबसे पहले इन्होंने हमसे कहा कि ये बताइए कि थर्टी सिक्स जो आपके पास नंबर है इसके नाइन फैक्टर्स हैं तो आपने सारे फैक्टर्स को शो करना है कैसे शो करेंगे वन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखते जाएंगे सबसे पहला फैक्टर वन होता है किसी भी नंबर का उसके बाद इवन नंबर है तो टू भी फैक्टर होगा फिर थर्टी सिक्स थ्री के टेबल में आता है यस थ्री ट्वेल्व आर थर्टी सिक्स

इसका मतलब है सिर्फ एक और फैक्टर रह गया क्योंकि नाइन फैक्टर्स की बात की थी एट फैक्टर्स हो गए तो सिर्फ एक फैक्टर बचा हमारे पास इज सिक्स और सिक्स क्योंकि अकेला क्यों है क्योंकि का स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास टोटल नाइन फैक्टर्स आ गए अब हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाले फैक्टर्स लिखिए वन टू थ्री फोर सिक्स और उसके बाद फिर ये वाले फैक्टर्स लिख लीजिए नाइन ट्वेल्व एटीन थर्टी सिक्स ये आ गए कुल हमारे पास नाइन फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स इसी तरह से आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन स्क्वायर नंबर्स के तो नाइन के फैक्टर्स भी हम चेक कर लेते हैं वन थ्री एंड नाइन ठीक है नेक्स्ट सिक्सटीन के फैक्टर्स चेक करते हैं वन टू फोर एट And अब इसके अंदर आप एक पैटर्न देखिएगा वो इवन नहीं है, है जो आपके पास यहाँ पर मिड वे में यहाँ पर एक फैक्टर होगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो मिड वे में है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है थ्री थ्री नाइन ठीक है बाकी वन इंटू नाइन इज इक्वल टू नाइन इस तरह से हमारे पास यहाँ पर थ्री फैक्टर्स आते हैं इसी तरह से अंदर देखिए फाइव फैक्टर्स है उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाई एट फिर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर यानी हमारे पास इसके अंदर जो मिडिल में फैक्टर है बिल्कुल middle में ठीक है तो वो कौन सा फैक्टर है कि कि जो जो अपने आप से हो रहा है 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 यानी वो हमारे पास यहाँ पर जो है, उसका रूट आ जाता ठीक है थीके? 25 का चेक कर लीजिए के अंदर भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वन इंटू ट्वेंटी यहाँ पर भी हमारे पास कुल कितने फैक्टर्स है सिर्फ थ्री फैक्टर्स अब आपसे कह रहे हैं पार्ट सी के अंदर एक्सप्लेन बाय एवरी स्क्वायर नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तो ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर क्यों है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर का काम अदा कर रहा है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट्स यही लिख देंगे कि एवरी स्क्वायर 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 नंबर नंबर हैज एन ऑड ऑफ ऑफ फैक्टर्स बिकॉज द द रूट परफेक्ट नॉट हैव अ पेयर यहाँ पर जो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है उसका कोई पेयर ही नहीं होता बाकी सारे फैक्टर्स तो पेयर्स में होते हैं वो इवन होते हैं लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट आता है आपका तो वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाता है वो किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता वहां पर तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होते बल्कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं तो ये आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है थीके? आप एक ऐसा करें जो कि एक स्क्वायर ना हो ठीक है स्क्वायर का मतलब कि वो आपके पास नंबर्स बिटवीन वन एंड फोर जैसे टू थ्री है या सिक्स सेवन एट है या इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है ना इनमें से कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है कि उसके और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में होता है कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास ऑड होते हैं इवन नहीं होते देन वी हैव पार्ट ई व्हिच सेज डज एवरी क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स गिव अ रीजन फॉर योर आंसर अब हमारे पास हमसे पूछ रहे हैं कि जो क्यूब नंबर होता है कि क्या उसके और नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होते हैं अपने आंसर का आपको यहाँ पर एक रीजन भी देना है। तो जरा स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या ये बात जो कह रहे हैं हमसे इज इट पॉसिबल और नॉट ठीक है क्या ऐसा ही है या नहीं तो अब यहाँ पर हम अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल टू का क्यूब निकालें तो वो क्या आता है हमारे पास टू टूर फोर फोर टू जर एट ठीक है अब eight के हमसे कह रहे हैं हैं ये जो आपके पास क्यूब नंबर है ना इसके आपने फैक्टर्स निकालने और ये फैक्टर्स आपके तो, पास ऑड में होने चाहिए देख लेते हैं यहाँ पर कि हमसे कह रहे हैं ना डस एवरी क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तो क्या एट के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है या नहीं ये देख लेते हैं हम इसका पहला फैक्टर वन ठीक है वन को आपने फैक्टर्स में इंक्लूड करना है हर नंबर के उसके बाद टू इसका फैक्टर है भी इसका है, फिर इसका कौन सा फैक्टर आता है फोर इसका फैक्टर है फिर इसका नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है एट फैक्टर हम क्या कहेंगे नो नॉट एवरी क्यूब नंबर हैज नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके बाद हम थ्री का क्यूब देख लेते हैं थ्री का क्यूब होता है हमारे पास ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री इजार नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन 27 के फैक्टर्स चेक करते हैं। सबसे पहले वन, ठीक है? उसके बाद इसका नेक्स्ट फैक्टर थ्री बाद इसका नेक्स्ट फैक्टर नाइन ठीक है उसके बाद इसका नेक्स्ट फैक्टर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन के भी हमारे पास यहाँ पर क्योंकि आप देख लीजिए वन इंटू ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन नाइन इंटू थ्री फैक्टर नहीं है तो ये जो क्यूब नंबर हमारे पास है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि नो वी हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इंस्टेड दे हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ठीक है तो हम यहाँ पर इस बात को निगेट कर सकते हैं कि आपकी बात यहाँ पर ठीक नहीं है

5 25 की भी हमारे पास सिर्फ तीन फैक्टर्स थे 1 और 5 और 25 लेकिन 16 के हमारे पास फाइव uh, फैक्टर्स थे 1 2 4 8 और 16 ठीक है तो डिफरेंट स्क्वायर नंबर्स के डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे लेकिन स्क्वायर नंबर्स के जो फैक्टर है वो आपके पास हमेशा ऑड नंबर्स में होंगे ठीक है अब हमें यहां पर ये यह बात पता चल गई हम यहां पर इसको कंक्लूड कर सकते हैं के जो क्यूब नंबर है उसके पास ऑर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ठीक है सॉरी जो स्क्वायर नंबर है आपके पास उसके ऑर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होते हैं थ्री होंगे फाइव होंगे सेवन होंगे लेकिन वो टू फोर सिक्स एट टेन नहीं हो सकते वेन इट कम्स टू क्यूब नंबर अगर आपके पास कोई क्यूब नंबर है तो ये yes, उसके इवन और ऑर्ड दोनों जो है वो फैक्टर्स uh, हो सकते हैं और भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं जैसे अगर हम बात करें यहां पर 64 की तो 64 एक स्क्वायर नंबर भी है 64 फोर इज अ स्क्वायर ऑफ एट ठीक है और 64 एक क्यूब नंबर भी है इट्स अ यूनिक नंबर कि ये फोर का क्यूब भी है फोर फोर जार सिक्सटीन सिक्सटीन फोर फोर अब अगर हम सिक्सटी फोर के फैक्टर्स चेक करें तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर

Uh, जो आपके पास सॉरी स्क्वायर नंबर के आपके पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे लेकिन जो क्यूब नंबर है उसके ऑड और इवन दोनों आपके पास फैक्टर्स हो सकते हैं